बच्चों आज हम डिब्बे और उनके नेट के बारे में जानेंगे। अप्पू को एक शादी में मिठाई भिजवाने का बड़ा ऑर्डर मिला है। उसने मिठाई पैक करवाने में मदद के लिए चंदा को अपने घर बुलाया है। अप्पू को पहले लड्डू पैक करने हैं। उसने चंदा से लड्डू के खाली डिब्बे को दूसरे कमरे से लाने को कहा। चंदा दूसरे कमरे में गई और खाली हाथ वापस आ गई। चंदा ने उससे कहा कि उसे दूसरे कमरे में कोई खाली डिब्बे नहीं नजर आए। अब अप्पू उसके साथ दूसरे कमरे में गया। उसने वहां चंदा को इस तरह के गत्ते के कटआउट दिखाकर कहा, ये रहे लड्डू के खाली डिब्बे। चंदा सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अप्पू उन गत्ते के कटआउट को खाली डिब्बे क्यों कह रहा था। बच्चों, क्या आप भी चंदा की तरह सोच में पड़ गए हैं कि अप्पू ने ऐसा क्यों कहा? आइए देखें अप्पू चंदा को क्या समझा रहा है। अप्पू ने चंदा को एक गत्ते का कटआउट दिखाया। उसने चंदा को कटआउट को उस पर बने बिंदुओं वाली रेखा पर मोड़ने को कहा। चंदा ने कटआउट को इस तरह से मोड़ना शुरू किया। चंदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कटआउट को उन बिंदुओं वाली रेखाओं पर मोड़कर लड्डू का डिब्बा तैयार हो गया। बच्चों, क्या आप भी चंदा की तरह चौंक गए? क्या आप डिब्बे के इस आकार को पहचानते हैं? ये एक घनाभ क्यूबॉइड है। घनाभ क्यूबॉइड की हर सतह फेस आयताकार रेक्टेंगुलर होती है। क्या आप जानते हैं कि इस गत्ते के कटआउट जैसी द्विआयामी टू डायमेंशनल आकृतियां, जिन्हें मोड़ने पर हम घनाभ क्यूबॉइड जैसे त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल आकार बना सकते हैं, उस आकार का नेट कहलाती है। अप्पू ने भी चंदा को इस तरह से घनाभ क्यूबॉइड और उसके नेट के बारे में समझाया। चंदा और अप्पू ने सारे लड्डू पैक कर लिए। अब अप्पू काजू कतली पैक करना चाहता है। चंदा ने अब काजू कतली के डिब्बे के कटआउट देखे। ये लड्डू के डिब्बे के कटआउट से अलग नजर आ रहे हैं। चंदा सोच रही है कि क्या इन कटआउट से डिब्बे बन पाएंगे। बच्चों, इस कटआउट की आकृति को देखिए और बताइए, क्या ये आकृति भी एक घनाभ क्यूबॉइड का नेट है? दूसरे शब्दों में, क्या हम इस आकृति को बिंदुओं वाली रेखा पर मोड़कर घनाभ क्यूबॉइड के आकार का डिब्बा बना सकते हैं? आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, इस आकृति से भी हम एक घनाभ क्यूबॉइड के आकार का डिब्बा बना सकते हैं। जी हाँ बच्चों, घनाभ क्यूबॉइड जैसे किसी भी त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल आकार के कई द्विआयामी टू डायमेंशनल नेट बनाए जा सकते हैं। या किसी भी डिब्बे को हम कई तरह की आकृतियों को मोड़कर बना सकते हैं। चंदा घनाभ के आकार के नेट के बारे में जानकर खुश हो गई और चंदा और अप्पू ने सारी मिठाई पैक कर ली। बच्चों, इस पाठ में हमने घनाभ क्यूबॉइड और उसके नेट के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम घन क्यूब और उसके नेट के बारे में जानेंगे।